इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विंडोज 10 के अपडेट्स आप किस तरीके से डिसेबल कर सकते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करें, सेकंड बॉटम ऑप्शन है सेटिंग्स, अपडेट्स एंड सिक्योरिटी। ये विंडोज अपडेट एंड सिक्योरिटी, अभी करंटली जो इसका स्टेटस है वो मैंने पॉज किया हुआ, आप यहां से देख सकते हैं कि अगर मैं दोबारा से इसको पॉज अपडेट फॉर 7 more days करता हूँ तो यहाँ पे डेट चेंज होगी। अभी ये June 5th, 2020 तक चलेगा, और अगेन मैं इसको प्रेस करता हूँ तो June 12th तक चलेगा। इसको अगर मैं मल्टीपल टाइम्स प्रेस करता हूँ तो ये जा रहा है July 1st, 2020 तक, बट यहाँ पे कहीं पर भी डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं है। विंडोज 10 की अपडेट्स को डिसेबल करने के लिए रन services.msc, विंडोज अपडेट। अभी करंटली विंडोज अपडेट के जो सर्विसेज हैं उसका स्टेटस जो है आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक है, आप इधर से इसको डिसेबल कर सकते हैं और यहां से स्टॉप कर इसको अप्लाई कर सकते। स्टार्टअप टाइप ये है कि जब सिस्टम बूट होगा तो विंडोज अपडेट की जो सर्विस है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अगर यहाँ से मैं इसको ऑटोमेटिक कर दूंगा तो आफ्टर एवरी रीबूट ये सर्विस जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर आप यहाँ से इसको डिसेबल कर देते हैं और उसके बाद आप इसको स्टॉप कर देते हैं तो ये परमानेंटली डिसेबल हो जाएगी। इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। विंडोज अपडेट का करंट स्टेटस जो है वो पॉज है। अभी मैं इसको रिज्यूम करता हूँ तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पे एक एरर शो हो जाएगा। ये एरर शो हो गया, अपडेट की जो सर्विसेज हैं उनको डिसेबल कर दी है, इस वजह से विंडोज अपडेट जो है वो अब काम नहीं करेगी और वहाँ से कोई भी अपडेट आपके पीसी में डाउनलोड नहीं होगी। सर्विसेज स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट। और अब अगर मैं रीट्राई करता हूँ तो आप देखेंगे कि चेकिंग फॉर अपडेट्स हो जाए और थोड़ी देर में अपडेट्स जो हैं वो डाउनलोड होने लग जाएंगे।